तो देखो भाई, अगर तुम लगभग 2 साल से इंटरनेट यूज कर रहे हो और तुम इस आदमी को नहीं जानते हो ना, तो या तो तुम सबसे बड़े झूठे हो या तो तुम क्या करने आते हो इंटरनेट पे मुझे नहीं जानना है। बट डोंट वरी, एट कैप्टन जाम्बी वी डोंट जज और डिस्क्रिमिनेट। नहीं भी पता है ये कौन है तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, हिंदुस्तानी भाव के बारे में। निकल, कैसे उसकी शुरुआत हुई एक मीम बनके, फिर कितनी अनगिनत कंट्रोवर्सीज में घुसते घुसते बिग बॉस के अंदर भी घुस गया, कैसे भाव से इंस्पायर्ड क्लोन्स बने, वो लोग भी कंट्रोवर्सी में घुसे, मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ, और फिर जेल में भी घुसे, क्या किए क्यों गए, और एंड में भाव सिर्फ यूट्यूब से नहीं इंस्टाग्राम से भी बैन हो गया ऑफिशियली। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो आराम से तकिया लगा के बैठ जाओ और सुनो कहानी हिंदुस्तानी भाव की। भाव की सबसे फेवरेट लाइन ये है, क्यों रे तुम्हारे घर में माँ बहनी नहीं है क्या? रिस्पेक्ट करो वुमन्स का, बहन बेटियों का रिस्पेक्ट करो, समझा? मादर चोत साले। नानी, मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ। Although I don't find it very believable। टपा टप टपा टप टपा टप, मालूम ना कैसा लेते फिर इधर आने का मेरे पास, उधर काय को तू ये कर रहे चाइना बीना के पास, बहुत पैसा है मेरे पास, ये देख समझी, तू ज्ञान उधर से ना, इधर तेरे को इतने बड़े बड़े सब तेरे को चोरे समझा, इधर खड़े भी हुए इन लोग का सबका जितने वीडियो देख रहे हो, और तेरे इधर भी अभी देखेंगे, अरे इसकी माँ लव लव नाम है तेरा लव, समझा? रिस्पेक्ट करो वुमन्स का, बहन बेटियों का रिस्पेक्ट करो। और एक बात क्लियर कहना चाहता हूँ, मुझे गाली गलौज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब इमोशंस ओवरफ्लो होता है तो फ्लो फ्लो में गाली निकल जाता है, बट कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों के बीच में बैठ के हंसी मजाक में गाली देना वर्सेस एक रैंडम आदमी को टारगेट करके भरपेट गाली देने में फर्क होता है। और कुछ लोग भाव के डिफेंस में कहते हैं कि कॉमेडियंस भी तो माँ बहन यूज करते हैं जोक्स के तौर पे, तो हाँ मैं जानता हूँ, और जो सही से कर लेते हैं वो फनी होते हैं, और जो नहीं करते ना वो मुझे भी टेस्टलेस लगते हैं, और क्लियरली समझ आता है कि गाली के दम पे ही हंसाना चाहते वो लोग, बट टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। कुछ लोग भाव के डिफेंस में ये भी कहते हैं कि भाव बहुत लोगों की मदद करता है, चैरिटीज करता है, और वो बहुत अच्छी बात है, मैं सलूट करता हूँ भाव को, बट ये कोई एक्सक्यूज नहीं है जो बाकी पाप कर करके अपना घड़ा भरता पाप का, उस चीज का कोई एक्सक्यूज नहीं है। एंड आई नो कि लोग भाव की फैन बेस से डरते हैं क्योंकि उसकी फैन बेस भी उसी की तरह टॉक्सिक है, जो दिख जाए उसे गालियां से जड़ दो, ऑब्वियसली जो सिखाया जाएगा लोग तो वही करेंगे। तो अगर कोई भाव का फैन ये वीडियो देख रहा है तो और भी अच्छा है, मुझे पता है कि तुम्हारे हाथ अभी थड़थड़ा रहे होंगे, तेरी माँ आग लिख के रेडी होगी, बट रुक जाओ मेरे भाई, थोड़ी लंबी सांसें लो और आराम से सुनो कि कैसे तुम अकेले नहीं सब लोग मैनिपुलेट हो रहे हैं हिंदुस्तानी भाव से। तो आते हैं आज के मेन मुद्दे हिंदुस्तानी भाव पे। हिंदुस्तानी भाव ऑल्सो नोन एज विकास फाटक इंटरनेट पर फेमस हुआ था अपने इस वीडियो की वजह से, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आप में से बहुत लोग कहीं ना कहीं देख ही चुके होंगे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी कलाकारों का अगर बहिष्कार किया तो मैं देश छोड़ दूंगा, जावेद अख्तर का बयान, निकल लो पहली फुर्सत में, निकल कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में बोल के निकल, समझा? मोस्टली लोग को भाव का बोलने का स्टाइल फनी लगा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट द होल इंटरनेट वेंट क्रेजी ओवर हिंदुस्तानी भाव, और बस उसकी ये एक ही फोटो काफी थी, उसके वर्ड्स खुद ब खुद दिमाग में आ जाते थे, ऐसी बन चुकी थी हिंदुस्तानी भाव की पॉपुलैरिटी। फिर वो इसी स्टाइल में वीडियोस बनाना शुरू किया, और मैं खुद उसे फॉलो करता था यूट्यूब पे, उसका एजेंडा या थॉट सुनने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी बातें फनी लगती थी और हंसी आता था सुनके। बेसिकली भाव वॉज एन इंस्टा थॉट, उसके ओपिनियंस मैटर नहीं करते थे क्योंकि लोग तो कोई और ही वजह से आते थे उसे देखने। और भाव की पॉपुलैरिटी इतनी पीक कर गई थी कि उसने फैन मीटअप भी रखना शुरू कर दिया था, माने मैं खुद देख के दंग रह गया था, एंड आई वाज लाइक गुड फॉर यू मैन, बट थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज जब हमें देखा कि कैसे भाव औरतों को बिना सर पैर के गंदे से गंदी गालियां देना और थ्रेटन करना शुरू किया। भाव का कहना था कि जो भी इंडिया के बारे में गलत बोले तो भाव उसे गाली में नहला देगा, और ये देश के खिलाफ बात करेंगे, ये देश के रिलीजन के खिलाफ बात करेंगे तो तुम्हारी गांड मारेंगे, जो उखाड़ना उखाड़ लेना। ठीक है भाई, थोड़ा ज्यादा ही भावुक आदमी है, बट ठीक है, दो जिसमें तुम्हारी खुशी है करो, बट प्रॉब्लम एक्चुअल में तब होने लगा जब भाव रेप थ्रेट्स देना शुरू किया अपनी वीडियो में। हाँ, ये मादर तेरे को नहीं मालूम, उठा उठा के लेंगे तेरे को, बाद में तेरी लाइन से खड़े थे कैसे मादर लोग है, लाइन से खड़े टाइट हो गया सबका। और उस वक्त तक उसकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ चुकी थी, क्योंकि हिंदुस्तान में टॉक्सिक लोगों की कमी तो वैसे भी नहीं है, जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ, कोई किसी की मदद नहीं करता, मगर अगर तुम्हें इंडियंस को यूनाइट करना है ना, बस उन्हें नफरत दिला दो, वो ले लेंगे, वो जुड़ जाएंगे, यहाँ हम सिर्फ
बर्बादी में जोड़ते हैं और नफरत करने में। तो भाव के वीडियो से इंस्पायर्ड होकर उसके फैंस भी जाके औरतों को मैसेज कर करके रेप थ्रेट्स देने लगे, गंदे से गंदा बात सुनाने लगे इन औरतों को मैसेज कर करके। कोई किसी को गलत समझ के गाली दे रहा है, मुझे तो उससे भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इंटरनेट कोई साधु संतों की जगह तो है नहीं, बट थ्रेट्स देना लिमिट क्रॉस करना होता है। लोग सिर्फ दूसरे के ऊपर रख के सोचते, कभी अपने ऊपर भी रख के एक बार सोच लो कि कल को कोई फेमस इन्फ्लुएंशियल आदमी तुम्हें कोई भी वजह से टारगेट करके तुम्हें डेथ थ्रेट्स दे, तुम्हारी माँ और बहन को रेप थ्रेट्स दे, तो कैसा फील होगा। और हजार लोग मिलकर वही सेम थ्रेट दे, कल को तुम्हारी बहन को कोई भी वजह से कोई भी इंसान आके ऐसे थ्रेट्स देगा ना, तो ऐसा हेल्पलेसनेस फील होगा जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। और ऐसे लोग जो इतनी घटिया तरीके से गाली देते हैं ना, इनका कोई अपना नहीं होता। और आज भाव भाव कर रहे हो, कल वही भाव घूम के तुम ही को तुम्हारी माँ बहन करेगा ना, तब रियलिटी हिट करेगा। तुम्हारी भी माँ की तुम्हारी माँ का। टॉक्सिक लोग किसी को नहीं बख्शते हैं, कल को तुम भी उनके टारगेट बन सकते हो फॉर एनी रीजन, फिर कैसे बचोगे। और वैसे भी इंडिया में मॉब मेंटालिटी तो चलता ही है। अभी 2 हफ्ते पहले सुशांत और नेपोटिज्म को लेके लोग लगे हुए थे, अब रिया और सुशांत को लेके लगे हुए हैं। पेंडुलम की तरह तो लोगों के ओपिनियंस बदलते हैं यहाँ, मगर लोग भेड़ बकरी की तरह गाली देकर दूसरे को जो मेंटल डैमेज करना रहता है वो करके निकल जाते हैं। सिस्टम साइड में, कंप्लेंट साइड में, अब इनका इलाज अपने को, इनको मारना है बस। थ्रेटनिंग समवन जस्ट क्रॉसेस द लाइन। ये जंगली इंसानों का देश नहीं, ये भारत है, यहाँ लॉज एंड रूल्स हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि ये काफी नहीं है ना, तो खुद पुलिस बन जाओ, लॉयर बन जाओ या आर्मी में चले जाओ, खुद देश को सुधारो। अगर इतना ही प्यार है तुम्हें देश से, तो देश के नाम पे गाली देने से तो बेहतर है कि अपना और देश का दोनों का भला करो। देश और धर्म को ना लोग एक बिजनेस बना के रख दिए हैं। जो लोग धर्म के नाम पे गाली देते हैं वो लोग अधार्मिक होते हैं, माने वो अपने धर्म पे खुद यकीन नहीं करते हैं। क्योंकि पूरे दुनिया में ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जो कहता है कि गाली दो, हर रिलीजन पीस और लव सिखाता है। और यहाँ ये बिजनेसमैन उसे घुमा फिरा के आते हैं रिलीजन के नाम पे गाली देने। और तुम्हें लगता है कि ऐसे लोग से इनके भगवान खुदा जीसस खुश होंगे? और क्या ये गॉड को खुश कर रहे हैं या अपने ईगो और अपने अंदर की टॉक्सिसिटी को? खुद के धर्म का रक्षा नहीं कर सकते ना, तो अपनी मां। पीके मूवी में एक बहुत अच्छा डायलॉग था इस टॉपिक पे, आप हमारे भगवान को हाथ लगाएंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। बेटा हमें अपने भगवान की रक्षा करना आता है। तुम करेगा रक्षा भगवान का, तुम? अरे इतना सा है ये गोला, इससे बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों गोला घूम रहा अंतरिक्ष में, और तुम ही छोटा सा गोला का, छोटा सा शहर का, छोटा सा गली में बैठ कर बोलता है कि वो की रक्षा करेगा। जाओ नहीं सारा जहान बनाया, तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं, वो अपनी रक्षा खुद ही कर सकता है। जो सच्चा बिलीवर होता ना, उसे पता है कि उसके गॉड को कुछ नहीं होने वाला एक इंसान के कुछ भी कहने से। गॉड को तुम्हारी हिफाजत की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसकी है, ये मत भूलना। कभी अपने आप को उससे भी बड़ा समझने की गलती मत करना। सालों से रिलीजन था, जंग हुआ, क्या नहीं हुआ, गॉड रहा, रिलीजन रहा, और तुम रहो ना रहो रिलीजन रहेगा। तुम्हारी माँ बैन करने से ना तो रिलीजन को आज तक फर्क पड़ा ना पड़ेगा, बट हाँ तुम्हारा फेकनेस जरूर दिख जाता है कि अपने फायदे के लिए रिलीजन के ऊपर रख के तोप चलाते हो। सॉरी थोड़ा ऑफ ट्रैक चला गया था, क्योंकि नहीं पसंद यार ये सब लोग जो मैनिपुलेट करते हैं रिलीजन और नेशनलिटी दिखाकर। बट देखो मुझे नहीं पसंद है तो मैं लॉजिक डाला और एग्जांपल्स दिया समझाने के लिए, ना कि मैनिपुलेट करके गाली दिया, यही कहने का मकसद था बस। आते हैं वापस हिंदुस्तानी भाव पे। तो यही सब कर करके भाव इतना फेमस हो गया था कि उसे बिग बॉस से भी कॉल आ गया था कि वो आके वहाँ कंटेस्टेंट बने, क्योंकि बिग बॉस को शुरू से चाहिए रहते हैं ऐसे लोग जो कंट्रोवर्शियल पब्लिक सेलिब्रिटीज हो, जो कंट्रोवर्सी कर करके ही फेमस हुए हो। और भाव बिग बॉस में जाने के पहले एक जगह इंटरव्यू में कहा भी दैट दिस इज माय बेस्ट चांस टू शो पीपल दैट आई एम मच मोर देन जस्ट माय अब्यूज फिल्ड वीडियोस। माने उससे भी पता है कि वो जो करता है गलत करता है, वरना कोई ऐसा क्यों कहेगा। अमिताभ बच्चन बिग बॉस में जाने के पहले ये थोड़ी बोलेगा इट्स माय बेस्ट चांस टू शो पीपल आई एम मच मोर देन जस्ट एन एक्टर, बिकॉज दैट्स व्हाट ही इज। बट भाव भी जानता है कि गाली और वो भी थ्रेट्स देना गलत है, इसलिए उसे ये इमेज शेड करना था अपना। बट अनफॉर्चुनेटली उसे बिग बॉस से एलिमिनेट कर दिया गया एंड लाइफ फॉर हिम केम टू अ स्टैंडस्टिल। भाव को तो लगा था कि वो सेलिब्रिटी बन जाएगा और मूवीज और ये सब करेगा, बट बिग बॉस के बाद सब लोग भाव को भूल ही गए थे, तो भाव को अपने रूट से वापस आना पड़ा, विच वॉज गाली देकर टीनेजर्स को अट्रैक्ट करके पॉपुलर होना। और ये इसमें अकेला नहीं है, भाव के बहुत सारे क्लोन्स भी हैं, जैसे उमेश दादा, शुभम मिश्रा, जो हेट फैलाकर व्यूज कमाते हैं। माने किसी को भी टारगेट बना लेंगे और अपने बचाव के लिए कोई सेंसिटिव इशू जैसे देश या धर्म उठा के दे गाली दे थ्रेट शुरू कर देते हैं, और ये देश या धर्म कवच बन जाता है जैसे लोग के लिए, क्योंकि कोई इन्हें क्रिटिसाइज करने आता है तो कह देते हैं अरे देखो ये तो देश या धर्म के खिलाफ कह रहा है। आदमी उन जैसे लोगों के खिलाफ कह रहा है तो ट्विस्ट करके उसे देश या धर्म पे ले आते हैं और अनभक्त हमला करने पहुंच भी जाते हैं। सही स्ट्रेटजी है यार, मानना पड़ेगा। और ये लोग शेर इसलिए बनते हैं क्योंकि हमारे इंडिया में साइबर क्राइम लॉज इतना स्ट्रांग नहीं है, जिसके मन में जो आए बक के निकल जाता है। इसलिए तो जब शुभम मिश्रा एक छोटा हिंदुस्तानी भाव हमारी माँ कंफर्म और डबल टिबल लेके
देखना मजा देखना। तूफान के आने के पहले की शांति है। और जब पुलिस ने अरेस्ट किया था फॉर गिविंग आउट रेप थ्रेट्स, तब जो उमेश दादा था फटाफट सारी वीडियोस अपनी डिलीट किया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो लोग जो कर रहे हैं गलत करते हैं, जनता के फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, बट क्योंकि आज तक एक्शन नहीं लिया गया था तो चिल्ला रहे थे, अब अपने असली रूप में आ गए। तूफान के आने के पहले की शांति है। ये सारे हेट क्लिक्स वालों से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, देखो भाई तुम्हें किसी पे गुस्सा आता ना तो उसे क्रिटिसाइज करो, लॉजिक का थोड़ा इस्तेमाल करो, क्योंकि हम लोग इंसान है, जानवर तो नहीं है, जो दिमाग मिला उसे यूज करो। मैं भी क्रिटिसाइज करता हूँ, कॉल आउट करता हूँ लोगों को, बट ब्लाइंड हेट ना मैं कभी फैलाया ना प्रमोट किया, और इतना ही यकीन रखता हूँ ना देश में तो दिखना भी चाहिए। ये क्या होता है कहना कि तुम देश की जुडिशियरी पे यकीन ही नहीं करते? सिस्टम साइड में इतनी खराब है तो खुद भर्ती हो जाओ, सुधारो उसे, उसे ही तो असली देशभक्ति कहेंगे ना। तुम्हारे घर की छत से अगर पानी लीक हो रहा हो तो खुद आइडिया लगा के उसे फिक्स करोगे ना, कि बैठ के पानी को उसकी माँ बहन करने से, इतनी माँ इतनी बहन की करने से पानी अपने आप ही फिक्स हो जाएगा लीक होना। ये देश के नाम पे ना मैनिपुलेट करना बहुत आसान है इन यंग बच्चों को, क्योंकि जो बड़े हैं उन्हें तो साफ समझ आता है धंधा, बट ये डैंग बच्चों को ना समझ ना अकल, वो तो मैं भी कर सकता हूँ मैनिपुलेट। सब जाके सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वरना तुम थप्पा मारे हुए देशद्रोही हो, देश की इज्जत नहीं करते हो, बिकॉज कैप्टन जैम्बी इज ट्रू देशभक्त। मैं देश का टैटू बनाया हूं अपने हाथ पे, दैट ऑटोमेटिकली मेक्स मी अ ट्रू पेट्रियट, और जो मेरे खिलाफ जाएगा ना वो मेरे नहीं देश के खिलाफ जाएगा। ऑल्दो तुम्हें ये सुन के अजीब लग रहा होगा, हंसी आ रहा होगा, बट बेसिकली दिस इज हाउ टू बी हिंदुस्तानी भाव। कोई भी मुद्दा उठा लो, उसमें देश या धर्म को जोड़ दो और अपनी शील्ड को तैयार कर लो, और कुछ कह दो लोग को करने के लिए, और जो नहीं करे उसकी माँ बहन करो, उसे माँ बहन की गाली दो और गद्दार बुलाओ, बस रिपीट एवरी टाइम यू नीड कंटेंट अंटिल द पुलिस कैचेस यू। ठीक है, तब आज की कहानी यहीं पे करते हैं समाप्त। वीडियो पसंद आई हो तो जोर से ठोको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टा पे जाके फॉलो करो, और हाँ मैं रिप्लाई करता हूँ, हर वक्त ऑनलाइन नहीं आता, बट जब आता हूँ तो रिप्लाईज कर देता हूँ, ऐसा नहीं लोग फ्री फोकट बस बदनाम कर रहे हैं। फोटोज पे आके कमेंट कर दो, एटलीस्ट वहाँ जब दिखेगा तो मैं रिप्लाई कर दूँ, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई कर देने का। तुम लोग तो एक तो इतनी तारीफ कर इतना फुला देते हो, जितनी तारीफ तो आज तक मेरी मम्मी ने खुद नहीं की है, तो थोड़ा ईगो कंट्रोल करने के चक्कर में मैं इतने सारे मैसेजेस नहीं पढ़ता, समझा करो यार। लव यू फैंस। ठीक है, तब मिलते हैं हम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए।